19 से आज 23 आ गई, 23 भी खत्म होने वाला है। भाई साहब एक भी आज तक कल्प्रेट नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या आपकी इंटेलिजेंस है? 44 जवानों की शहीदों को बिल्कुल भूल गए, क्योंकि उसकी वजह से वो जीत गए थे। उसके बाद मोदी जी का नारा क्या था? आपका पहला वोट राष्ट्र के नाम होना चाहिए, शहीदों के नाम होना चाहिए। खुल के उन्होंने शहीदों के नाम पे वोट मांगे हैं, ये कह रहे हैं कि मांगे नहीं। मैं आप देख लो स्टेटमेंट सारे उठा के, हर उसमें रैली में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नाम पे पहला वोट होना चाहिए, राष्ट्र के नाम पहला वोट। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, शहीदों के नाम पे पहला वोट होना चाहिए राष्ट्र। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा होगा, 100% कहा होगा। मैं कह रहा हूँ अगर वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और अगर वो डंके की चोट पे करते हैं, मेरे को तो इतना पता है कि मेरा किसी ने ये जवाब अभी तक नहीं दिया कि मोदी इतना खराब है, 2014 में वो आया, फिर 2019 में आया क्यों? खराब है तो अब जा रहा है वो भविष्य देख के, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी ये सदी, ये जो 2047 तक है, बीजेपी ही चलने वाली है, देश चलाएगा, जनता चलाएगी। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, कांग्रेस ने, मैडम कांग्रेस वन साइडेड चली है, वन साइडेड। कांग्रेस ने रिपीट तब तब किया है जब इमरजेंसी लगी, उस समय रिपीट किया। कांग्रेस ने इमरजेंसी में गठबंधन किए, अरे आई के गुजराल हो गया, उसके बाद देवगोड़ा हो गया, देवगोड़ा। नहीं नहीं ये बात काटने वाली बात है। हाँ चलो आप बोल दो। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने गठबंधन, उन्होंने गरीब आदमी पिस रहा है, पैसे वाला पैसा, ये बोर्ड किसके लिए लगा रहे हैं? जितना पैसा हो फालतू फंड लगा रहे हैं ना, ये पैसा गरीब को दे तो गरीब कभी ना रो। ये पटरी वाले रो रहे हैं, स्कूटर की कंपनी चला दी, गाड़ियों की कंपनी चला दी, जगह जगह टैक्स लगा दिए, पेट्रोल पर पैसा बढ़ा दिए, साइकिल बंद करा दी, बंद कर दी ना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब और गरीब जाओ, अमीर और अमीर होता जा रहा है। सिलेंडर के दाम इतने महंगे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ। बढ़ गई बेटा, इंसान को ना गरीब है वो, हम भी गरीब थे, इतना गरीब को नहीं देखा। वो तो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, जापान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, गरीब को क्या देख रहा है वो? भूल गया अपने औकात को, चाय को भूल गया, अब तो जहाजों में घूमेगा तो क्यों गरीब को देखेगा? तो आपने चाय बेचते हुए देखा था तो मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा था? जब का नाम बदनाम हो रहा है तो मोदी मोदी मोदी, हम मोदी को तो आधे ना कर दे। अच्छा तो कैसा रहा है समय उनका? ये बहुत घटिया, बहुत घटिया। गरीब आदमी रो रहा है, पैसे वाला वो भी देख बेटा ने बुरा ना माना, जितने पत्कार हैं सबको पैसा फेंक रहा तो उन्हीं के गुणगान है। घूम रहा है, होया कि नहीं होया लड़कियों के साथ? क्या नहीं होया? जब तक कान बंद करके बैठ गया, कितना गलत हुआ? मोदी की लड़की होती निकलता योगी, अरे रोड पर बैठा मंदिर का पुजारी, तू इतना है ना सीने से निकाल के देखा हनुमान जी को टीका लगा लिया ने, जो पहले पंडित थे। 15 अगस्त के दिन मोदी जी आए थे लाल किले पे झंडा फहराने आए थे। हाँ मोदी जी आए थे, अब अगले साल कौन आ रहा है? आएगा कौन? कौन आएगा? ऊपर वाला आएगा, लीली छतरी वाला। ये क्या करेंगे? सब खाने चाट रहे, मेरी मार्केट में मेरी मार्केट, कुछ नहीं होएगा इनका। ये तो अपना कह रहा ना, मेरा कोई नहीं है, सब कोई है, चोरी चोरी सब रकम जा रही है। कह रहा बीवी, बीवी को छोड़ दिया, बहन तो है, भाई तो है, रिश्तेदार, उनके बैंकों में गए पैसे। मैडम देखिए मणिपुर में इतना गलत हुआ, कोई सरकार नहीं बोली, किसकी कितना? एक सेकंड, ये कह रहे गलत नहीं हो रहा, सही हो रहा है मणिपुर में? आपकी बहन बेटी नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, अभी इन्होंने बोल दिया मीडिया, ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। 1993 से मैडम आपको ये गलत हो रहा है, सही मैडम? मैडम नहीं, मैंने बोला था 1993 से मणिपुर हो रहा है गलत है। और रिवाइड करो,
अधिकारियों ने। मोदी जी ने तीन बात किए हैं यहाँ पर, तुष्टिकरण की, परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की। क्या लगता है कि बीजेपी में है ये सारी चीजें या नहीं? बीजेपी तो सर्वोपरि है इस मामले में। ये तो पॉलिटिक्स है मैम, ये तो प्रोपेगेंडा है। ब्लेम तो लगाएंगे एक दूसरे पे, हमें लगता है रात को मेरे सारे इकट्ठे बैठे होंगे। मोदी जी की बात का मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल मोदी जी ने यही लाल किले से भाषण दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम नारियों का सम्मान करते हैं। जिस दिन वो ये भाषण दे रहे थे, उसी दिन शाम को दोपहर के बाद वहाँ पे गुजरात में बिल्किस बानो के 11 हत्यारे और बलात्कारी जो थे, उसकी बेटी के हत्यारे और बिल्किस बानो के बलात्कारी, उसी दिन छोड़ दिया गया था। तो मोदी जी की बात तो ये होती है कि सुबह वो कुछ कहते हैं और उनके अगेंस्ट ही जा रहा होता। वो कहते हैं जी चाइना का बायकॉट करो, और चाइना से पिछले साल जो व्यापार हुआ है 112 अरब डॉलर का इम्पोर्ट हुआ है, नॉट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। राजकोषीय घाटा हमारा 546 अरब रुपये से घट के 512 अरब रुपये पे आ गया, डॉलर पे 512 अरब डॉलर पे आ गया। उनकी बात तो हमेशा उल्टी होती है। वो कहते हैं चाइना का बायकॉट करो, बायकॉट आपने क्या करना है, 20-20 रुपये की लड़ियों का बायकॉट कर दो, लेकिन 12,500 करोड़ का ठेका बेंगलोर में चाइना की कंपनी को देते हैं वो। पाकिस्तान से नंबर एक दुश्मन है, लेकिन उन्हीं के बेटे, उन्हीं के जो पार्टी के जेटली के बेटे पाकिस्तान की कंपनियों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। बिल्कुल सही कहा। कह रहा हूँ कि जैसे मोदी ने, जैसे पिछले 2 साल पहले जब लॉकडाउन था उसमें कहा था कि चाइना का माल बंद हो जाना चाहिए, कहाँ बंद हुआ, अब भी चाइना का माल आ रहा है। हाँ मोदी कह रहा था मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, सब कुछ करो, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब चाइना का माल आ रहा है। केजरीवाल ने सारे काम करके दिखाए, 15 साल शीला दीक्षित का राज था, क्या कांग्रेस का था, कांग्रेस के टाइम में महंगाई थी, इतनी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में, डरने से क्या मतलब है? नहीं आप लोग जो कह रहे हो ना, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, तो अच्छा पार्टी है कौन, किसको जिताया जाए? नहीं आप जो बोले उसका जवाब दीजिए। हाँ जी 15 साल पहले सवाल किए, इनके जवाब ये कह रहे हैं कि अच्छी पार्टी कौन सी, मैं कहता हूँ कांग्रेस है। कांग्रेस से राज में आपने कभी देखा इतने दंगे? नहीं, जो एक एक मिनट में दंगा फैसा दे सकते। अभी वो नासिरो जुनैद का हत्यारा मोनू माने सर अभी भी फ्री घूम रहा है। घोटाले कितने हुए? बिट्टू बजरंगी छोटा है उसको तो पकड़ लिया, अब देखो मोनू माने सर के नाम पे इनकी चुप्पी खा जाती है। कांग्रेस में कौन सा अच्छा है? उससे राज नहीं चलने वाला है, भारत नहीं चलेगा उससे। हाँ उससे भारत चलने वाला नहीं है, जो जिसे बोलने का ढंग ही नहीं है वो भारत क्या चलाएगा? बस हो गया, अब उधर ले जाइए ना। नहीं आप कह रहे हैं किसको? कह तो दिए, क्यों कह रहे हैं पप्पू? क्योंकि इसलिए कह रहे जो उसे बोलने ही नहीं आता, बोलने को कुछ बोलता है कुछ। आपने भाषण सुना परिवारवाद ही कह रहे हैं? नहीं परिवारवाद क्या, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी होता है, अगर बोलने की बात पे कह रहे हैं, लैंग्वेज इनका, इन्होंने बोला कि उसको बोलना नहीं आता, तो मोदी जी ने कल क्या बोला, ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी, उनसे एक ब्यूरोक्रेसी तक तो शब्द नहीं बोला जाता। और उनके पुराने में बातें बता देता हूँ मोदी जी की, आपकी उन्होंने आपने सुना होगा एक वो बड़ा पुराना है, मैडम आप माइंड मत करना, लवणेन मध्यम, ये मोदी जी की भाषा थी 15 साल पहले कांग्रेस का राज था, मतलब इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन आज के दिन में 10 साल पहले, लेकिन आज के दिन में मोदी जी का राज है, और मोदी जी के राज में टमाटर 200 रुपए किलो, सब्जियां कोई भी लो 200 से किलो कम नहीं है। बीजेपी की सरकार आ जाए तो महंगाई कम हो जाएगी, केजरीवाल ने काम करके दिखाए आम आदमी ने। मोदी जी से परेशान है सर, देखने आए हैं, महिलाओं के लिए बसें फ्री, अब महिलाओं के लिए मेट्रो भी फ्री करेंगे, तो फ्री अच्छा है या गंदा है? फ्री अच्छा है, अच्छा फ्री होगा तो हमारा पैसा, हमारा टैक्स मिल रहा है, तो दिक्कत क्या भाई? जो 200 रुपए किलो है वो सब तो मतलब नहीं, जब बचेगा 5 किलो राशन वाले कह सकते हैं हम सबको फ्री दे रहे हैं, अगर वो फ्री दे रहे तो तकलीफ क्यों है भाई, दर्द क्यों पेट में हो रहा है? दर्द हो रहा है तो टेबलेट लीजिए, मैं नाम बता दूंगा आपको, खाए और घर पे रहिए, आप खेल खत्म हो गया आपका, अब आने वाले नहीं हो, अब आने वाले नहीं। अब जो मणिपुर में जो हुआ है, मेवा जो हुआ है, प्रधानमंत्री मान तुम्हें, जब खेल आपका खत्म है, वो अपनी लड़की बहन की लीलाम नहीं कराएगा रोड पे आके। अच्छा। और आप अगर कह रहे हो हम उस पर काम कर रहे हैं, 3 महीने क्यों लग गए आपको? हाँ। 3 महीने आपको क्यों लग गए? सरकार आपकी है, देखो ऐसा भाई जी है, सरकार जो है ये चाहे जो कुछ का है, सरकार हिंदू परिषद की बहन साहब, ये बहुत बड़ी सरकार है, वो कुछ भी करे, जो भी सीट बैठेगा वो सब भैया काम करें, मगर हिंदू परिषद की ये पार्टी है, इसको रहना चाहिए और ये रहेगी, ये
परंपरा ये हिंदू क्या होता है? हिंदू मतलब योगी योगी मोदी नहीं है ही। अच्छा हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं हाँ धर्म ही नहीं है हिंदू। नहीं नहीं वो तो हिंदू की बात करते हैं ना भाई जी। तो गलत करते हैं या सही करते हैं? नहीं नहीं वो तो सही करते हैं। लेकिन हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं नहीं हिंदू होता किसे नहीं है। कैसे कैसे नहीं होता? हिंदू हिंदू तो कह रहे हम राष्ट्र घोषित करेंगे भाई, वो तो कह रहे हैं ना। अच्छा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ वो तो अच्छा, कह रहे हैं ना। बिल्कुल सपोर्ट हमारा है। तो सबको निकाल देंगे? नहीं निकाल नहीं देंगे, सब कोई रहेगा, मगर वो हिंदू राष्ट्र जो है कह रहे कि बनाएंगे तो खुलेआम कहीं थे। मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म सनातन है। हिंदू है, सब हिंदू है। एक सौ साठ लोग मारे जा चुके हैं, ठीक रहे हो? बताइए एक सौ साठ लोग मारे जा रहे हैं। 700 कम मरे थे, वही मणिपुर में 700 कम मरे थे। केंद्र में सरकार कौन था? कांग्रेस। अरे पिछला इतिहास नहीं बताओगे, मोदी का इतिहास बता दोगे आप? अरे हटाओ ऐसी डिबेट की बात। सारे बात जी, 700 लोग मरे थे। लोग मरेंगे, ठीक है आओ आओ इधर। मैडम मैडम ऐसा है, देखिए हमें डिबेट आपने मंच दिया तो बात हर एक को रखने का हक है। मेरे को इतना पता है, अगर आज कोई बोलता है कि मैं मोदी के लिए बोलता हूं तो मैं 500 रुपए लेके बोल रहा हूं, तो मुझे उनकी बात पे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि अगर मोदी में इतनी गलती होती तो 2019 में वो दोबारा 288 से 203 सीट लेके नहीं आते। 303 यस वही बोल रहा हूँ। 288 से 288 से 303 का रीजन पुलवामा था। पहले 288 था, मतलब रीजन भी मोदी खड़ा करेगा। पुलवामा भी मोदी ने खड़ा किया, एयर स्ट्राइक भी मोदी ने की, सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी ने की, 1100 फ्री में सिलेंडर भी दे दिया। एक मिनट बात पूरी होने, फ्री में सिलेंडर दे दिया, अब वो 1100 का हो गया। भाई अगर तुमने फ्री में गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया, 5-6 हज़ार रुपये की तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अरे पंडित ने शादी करा के दे दी, अब तुम बोलो बच्चे भी पैदा करके देगा क्या? वो थोड़ी करके देगा। फिर उस पर टैक्स क्यों ले रहे हो? फिर टैक्स नहीं ले रहे हो? पुलवामा के बारे में सबको पता है, सत्यपाल मलिक की आपने स्टेटमेंट सुना होगा। चलो हम तो आम आदमी है, सत्यपाल मलिक तो बहुत इम्पोर्टेंट अपनी महत्वपूर्ण जगह पे बैठे थे, गवर्नर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने बोला इस बात को, उनकी बात को इन्होंने काट दिया, कहीं भी उसको वेटेज नहीं दी। मलिक साहब ने साफ क्लियर बोला कि मैंने लेटर लिखा कि हमारी वजह से मारे गए, उनको बोला कि चुप रहो। मलिक के बारे में इन्होंने बोला कि चुप रहो आप मत बोलो इस बारे में, जबकि मलिक तो गवर्नर है। चलो हम तो आम आदमी है, हमारी बात तो हम तो जो ऊपर से आती है सुनते हैं वही सब सुनते हैं, लेकिन मलिक साहब जैसे वो तो ऐसे नहीं गलत बोल सकते। और सबसे ये लेटर जारी हुए हैं कि बाकायदा उनको एयरलिफ्ट कराने के लिए लेटर लिखे गए थे कि खतरा है, उन्हें बाई एयर उन्हें भेजा जाए, उसके बावजूद भी वो लेटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें बाई रोड ही भेजा गया।